पीसीओडी के लिए सबसे पहले हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो हमने आपको बताई, उसके बाद में हम कुछ योगाभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले है आपका बटरफ्लाई पोस्चर। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बैठ, दोनों पंजों को मिलाइए और धीरे से हील्स को पूरा इनर बॉडी के टच करते हुए, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट और बटरफ्लाई पोस्चर, दोनों घुटनों को जमीन पर टच करने का प्रयास करना है। कोशिश कीजिए आँखें बंद रखकर ध्यान जहाँ पर आपकी इनर थाई मसल्स में आ रहे खिंचाव तनाव पर रख सकें, और धीरे धीरे अगर आपको बैकएक नहीं है आप आराम से आगे झुक सकते हैं, तो कोशिश कीजिए एल्बोज से थाइस को प्रेस करें और एक्सहेल करते हुए लंबर रीजन को पूरा स्ट्रेच करते हुए पूरा अधिक से अधिक आगे झुकी, एक्सहेल डाउन इनहेल स्लोली जेंटली, होल्ड नहीं करना है इस पोस्चर को, धीरे से एक्सहेल करते हुए पूरा आगे और इनहेल परफेक्ट। धीरे से वापस दोनों घुटने मिलाएं और धीरे से पैरों को सीधा कर लें या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है चक्की संचालन। तो धीरे से पैरों को साथ में आप खोलिए, लेग्स अपार्ट, पैरों में पूरा गैप, धीरे से हाथों के ग्रिप बांधनी है और लेफ्ट टू राइट चक्की संचालन पूरा अधिक से अधिक, जिससे हमारी यूट्रस, ओवरीज, इंटेस्टाइन अच्छे से वर्क कर सकें, उनके वर्क कैपेसिटी को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। लेकिन आप कोशिश कीजिए चक्की संचालन लेफ़्ट टू राइट ही करें, क्योंकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टूल को बाहर निकालने का प्रोसेस है वो लेफ़्ट टू राइट ही होता है। तो हमेशा अपनी चक्की संचालन लेफ़्ट टू राइट ही करें और जब आप आगे झुकें तो एक्सहेल करते हुए मुंह से एक्सहेल करें और पीछे आएं नाक से इनहेल। इस प्रकार एटलीस्ट 10 to 15 राउंड का अभ्यास करें और फिर धीरे से दोनों पैरों को मिलाकर हाथ पीछे दंडासन में रिलैक्स। उसके बाद योग मुद्रासन, वज्रासन में धीरे से बैठ जाएं। योग मुद्रासन के लिए दोनों मुट्ठियां बांधकर नेवल के नीचे हाथ और एक्सहेल करते हुए पूरा आगे झुकिए, फिर धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स धीरे से। अब नेक्स्ट अभ्यास है उसके बाद गौमुखासन। गौमुखासन के लिए पैर सीधे कर लीजिए, यस, और धीरे से राइट टो को बेंड करते हुए लेफ्ट थाई के नीचे और लेफ्ट टो को भी इसी प्रकार नी के ऊपर नी को ओवरलैप करना है। इस प्रकार धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर से क्रॉस करना है, पीछे लेफ्ट हैंड को फिंगर्स के ग्रिप बांधिए। इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट विद अ जेंटल स्ट्रेस फ्री स्माइल, आँखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस प्रकार थोड़ी देर रुकें और धीरे से अब दूसरी प्रकार दूसरी तरह से भी चेंज करते हुए पैर सीधे कर लीजिए, धीरे से रिलैक्स, डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स्ड। अब धीरे से हम लेट जाएंगे, सर्वांगासन के लिए धीरे से अब दोनों पैरों को धीरे से 30, 60, 90 फिर 130 डिग्री पर उठाकर धीरे से एकदम सीधा कर लीजिए पैर, बॉडी नेक से एकदम स्ट्रेट रहे कोशिश कीजिए। आपको अगर डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो तो कोशिश कीजिए कि वॉल के सपोर्ट से कर पाएं, और फिर भी दिक्कत आए तो हल्का सा आप अपनी कमर को, हिप्स को बेंड कर सकते हैं विपरीत करनी मुद्रा में भी। इस आसन से हम अपनी ओवरीज की प्रॉब्लम्स को, यस, जितनी भी हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सबको क्योर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब धीरे से जितनी देर आप रुक पाएँ कोशिश करें, यस, नॉर्मल ब्रीदिंग, फील द प्रेशर एंड स्ट्रेचिंग ऑन योर मसल्स और धीरे से वापस आ जाइए, बहुत धीरे धीरे रिलैक्स, 5-7 लंबे गहरे श्वास। अब धीरे से इसका विपरीत आसन मत्स्यासन, राइट टो को लेफ्ट थाई के ऊपर और लेफ्ट टो को राइट थाई के ऊपर पद्मासन लगाएं और धीरे से टॉप ऑफ द हेड फ्लोर पर और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़कर, ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के लिए, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। नॉर्मल ब्रीदिंग, लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है और सर्वांगासन के बाद विशेष रूप से आप मत्स्यासन की प्रैक्टिस करें, फिश पोज। धीरे से सिर को नॉर्मल कीजिए, धीरे से पैर सीधे कीजिए एंड रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। इसके
उसके बाद धीरे से पवन मुक्तासन, दोनों पैर मोड़कर चेस्ट पर बेंड करने हैं, हाथों के ग्रिप में, नाक को दोनों घुटनों के बीच में, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे जितनी देर आप रुक पाएँ कोशिश कीजिए। आपको दिक्कत आए नेक से, ब्रेथलेसनेस लगे तो सिर को नीचे ले आएँ, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए पोस्चर को होल्ड करें। जहाँ जहाँ पे स्ट्रेचिंग प्रेशर हो रहा है आप हमेशा ध्यान रखें कि उस तरफ हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहे, पूरी अवेयरनेस रहे। अब धीरे से रिलैक्स्ड, पैड सीधे, लेग्स अपार्ट, योग निद्रा में रिलैक्स।